अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करता है आपका दोस्त डॉक्टर हमाली आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिसिन हेल्पर डॉक्टर हमाली में, और उम्मीद करता है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों आज की जो वीडियो लाया हूँ वो एक गोली है, ये आई पिल के नाम से आती है और ये बहुत ही फेमस ब्रांड है, पीरामल एंटरप्राइजेस पीरामल हेल्थ केयर का ये प्रोडक्ट आता है। तो इसी के बारे में हम खुल के बात करेंगे, ये किस काम के लिए आती है, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, क्या इसकी डोज है। तो इससे पहले मैं उम्मीद करूंगा कि आपने अगर मेरे चैनल मेडिसिन हेल्पर डॉक्टर हमाली को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि मेरी जो भी आने वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे आई पिल टेबलेट के बारे में। दोस्तों आपने बहुत सारे लोगों ने अनवांटेड 72 के नाम से सुना होगा, टेबलेट आती है मैनकाइंड की, ये भी दोस्तों उसी काम को करती है। अगर आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है और आपको उम्मीद है कि प्रेगनेंसी हो सकती है लेकिन आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते, आपके पास छोटे बच्चे हैं या कोई वजह है या कोई और वजह है, बीमारी है या कुछ और वजह है, तो इसको 72 घंटे के अंदर एक गोली इसके अंदर आती है, इसको हम 72 घंटे के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये इंशाल्लाह प्रेगनेंसी नहीं रहने देगी। जैसे अनवांटेड 72 काम करती है ऐसे ही काम इसका है। इसके अंदर दोस्तों कंपनी ने लिवोनोर्जेस्ट्रोल 1.5 mg डाला है जो 72 घंटे के अंदर सेक्स करने के 72 घंटे के अंदर इसको इस्तेमाल करना है। दोस्तों इसकी यही एहतियात है कि इसके लिए इसको खाने से पहले एक बार आप अच्छी तरह सोच लें कि आपको जो सेक्स आपने किया है उसके बाद जो फर्टिलिटी होनी है वो आपको चाहिए या नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर सपोज आप बीमार हैं या इस लायक हैं कि प्रेगनेंसी हायर नहीं कर सकते तो उसके बाद उसके लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों इसका इस्तेमाल 72 घंटे के अंदर ही होना है, 72 घंटे के बाद इसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। इसको खाने से पहले, इसको खाने के बाद, मैं इसको खाने के लिए भी आपको कहूँगा कि एक बार अपने डॉक्टर की मशवरा लें, अपने डॉक्टर से एक बार प्रेस्क्राइब कर डिस्कशन कर लें कि क्या हम इसको ले सकते हैं। हो सकता है किसी मेडिसिन से आपको रिएक्शन हो या एलर्जी हो तो ये भी आपको नुकसान दे सकती है। मे बी पॉसिबल कि ये बहुत सारे मरीजों में अगर इस्तेमाल की जाती है तो उनमें 1-4% या 10% को नुकसान दे सकती है। दूसरी चीज़ इसके जो नुकसानात हैं वो ये हैं कि थोड़ा सा घबराहट होना, बेचैनी होना, बदन में कपकपी होना या न्यूजिया या वोमिटिंग, ये इसके थोड़े साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि ये लेडीज़ को इस्तेमाल करनी है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बाद 72 घंटे के अंदर इसको लेडीज़ इस्तेमाल करेगी, एक गोली खाएंगी 72 घंटे के अंदर तो इंशाल्लाह जो उनकी तमन्ना है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए और ये कहते हुए ये उम्मीद करते हुए कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी तो मुझे प्लीज़ लाइक, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स करके मुझे बताइए मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं और शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इनका फ़ायदा उठा सकें। इसी के साथ मैं आज आपकी अपनी बात ख़त्म करते हुए और आपसे विदा लेते हुए, खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।